बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पी के। सो जेंटलमैन, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि चाइनीज़ जो बाइक्स हैं उनमें ब्रांडेड कौन सा है और रेप्लिकास कौन सा है। तो उसका आसान सा जवाब ये है, रेप्लिका के हमने पहले ही लिखा हुआ होता है कि ये रेप्लिका है। जो ब्रांड्स होती हैं, जो स्पेसिफिक ब्रांड होती है, वो अपने नाम से चीज़ बनाती है और वो सारी चीज़ें, डिज़ाइन, पार्ट्स, वो उनका अपना होता है। उनमें एक बड़ा जाना पहचाना नाम है जो मैं अक्सर लोगों को रिकमेंड करता हूँ, टारो जीपी के नाम से वर्ल्ड में जाना जाता है और पाकिस्तान में उसे वेलेंटिनो के नाम से जाना जाता है। अब वेलेंटिनो में काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं हमारे पास। 250 cc सिंगल सिलेंडर आता है, आई एम नॉट रॉन्ग 250 cc में डुअल सिलेंडर भी आता है। फिर उसके बाद 350 cc में सिंगल और डुअल मेरे ख्याल दोनों आते हैं, और इसी तरह 400 cc 8 वाल्व में भी आता है। आज का जो बाइक है ये है 350 cc डुअल सिलेंडर, इसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले, अगर अभी तक आपने बाइक में पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। दिस वीडियो इज़ एक्चुअली पावर्ड बाय न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी रावलपिंडी, और उनका जो लिंक होगा यूट्यूब चैनल का वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, फॉलो देम एज वेल। फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तब भी यूट्यूब को फॉलो करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की जानेब और बढ़ते हैं फैसल भाई की जानेब। ओवर टू फैसल भाई, वही हमें तफसील बताएंगे इस बाइक के बारे में, कितना अच्छा है, टेस्ट राइड भी होगी इंशाल्लाह। यू गोना लव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फैसल मुगल फ्रॉम न्यू पार्क ट्रेडिंग कंपनी, और जो आज जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, टारो का बाइक है 350 cc में, और ये चाइना में जो है, जैसा कि जोंगशन, लिफान, लॉन्सन ब्रांड, इसी तरह टारो भी एक ब्रांड है जो कि काफ़ी अच्छे मॉडल्स बनाती है। तो आज इस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं, 350 cc कैटेगरी में बाइक्स है जिसका आज कंप्लीट रिव्यू करेंगे, और पाकिस्तान में जो बाइक मॉडल है वेलेंटिनो 350 cc के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मॉडल आपको चेक कराना है, इसमें 350 cc भी आता है, 250 भी आता है, और इसके साथ 400 cc भी है। 400 cc का ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और आप इस वाले से इसका जो मॉडल्स है वो भी देख सकते हैं 400 cc में भी। बाकी भी इंशाल्लाह जैसे इसमें 250 cc कैटेगरी हमारे पास बाइक स्टॉक में आएगा तो उसका भी आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे। आज जो बाइक का रिव्यू कर रहे हैं 350 cc कैटेगरी में, और सबसे पहले बढ़ते हैं इसके फ्रंट एंड बैक जो है अलॉयज की जानी, तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइलिश किस्म के इसके अलॉय डिज़ाइन किए गए हैं, और 17 इंच के जो है इसके फ्रंट एंड बैक के ऊपर अलॉयज लगे हुए हैं। फ्रंट के ऊपर जो टायर साइज लगा है 110/70/17 का फ्रंट के ऊपर ट्यूबलेस टायर है, और बैक के ऊपर 150/70/17 का रियर के ऊपर हमें टायर मिल जाता है। फ्रंट के ऊपर ब्रेकिंग की बात करें तो 2 फ्लोटिंग एवी डिस्क लगी हुई ड्यूल पिस्टन कैलिबर, और बैक की बात करें तो बैक के ऊपर हमें सिंगल डिस्क मिल जाती है सिंगल पिस्टन कैलिबर, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम इसके ऊपर लगा हुआ है। अभी बढ़ते हैं शॉक सस्पेंशन की जानी, तो फ्रंट के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त इन्वर्टेड शॉक्स इसके ऊपर लगे हुए हैं, और रियर के ऊपर हमें एडजस्टेबल प्रोलिंग मोनोशॉक रियर के ऊपर मिल जाता है, जिसकी एडजस्टमेंट आप करना चाहें तो इजीली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर सकते हैं। फ्रंट लाइट की जानी बने तो काफ़ी ज़बरदस्त स्टाइलिश किस्म की इसकी फ्रंट के ऊपर लाइट लगी हुई है, और विद पार्किंग DRL फ्रंट के ऊपर जो है इसके लाइट चलती है, काफ़ी अच्छी लुक है, और प्रोजेक्शन लैंप इसके ऊपर लगे हुए हैं जिसके ऊपर लो बीम और हाई बीम दोनों आपको मिल जाती है। बड़े इसकी कंट्रोलिंग असम्बलीज की जानी, तो राइट साइड पे हमें वही जो है इसका किल स्विच मिल जाता है, नीचे लाइट पार्किंग ऑन ऑफ की ऑप्शन है, और सबसे लास्ट में हमें सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन मिल जाती है। हैंडल बार जो है काफ़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर लगाया गया है, CNC मटेरियल में क्लिप ऑन हैंडल बार है, और इसकी भी थोड़ी आप अगर एडजस्टमेंट करना चाहें, इसको डाउन करना चाहें तो वो भी ईजिली इसके ऊपर हो सकता है, उसमें यह कि आपका सिटिंग पोस्चर थोड़ा लीन हो जाएगा। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड असम्बली, यहाँ पे हमें फ्रंट के ऊपर डिम्पर की ऑप्शन मौजूद है, नीचे लाइट हाई लो की, इंडिकेटर की, और सबसे लास्ट में हमें हारन की ऑप्शन मिल जाती है। EFI बेस जैसे कि बाइक करता है तो इसके ऊपर चौक की जो है फैसिलिटी नहीं होती। बढ़ते हैं अब मीटर डिस्प्ले की जानिब, तो जैसे आप इसका मीटर डिस्प्ले ऑन करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त राउंड शेप में इसका एनालॉग मीटर बना हुआ है। यहाँ पर राइट साइड पर हमें जो है डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको किलोमीटर स्पीडोमीटर की जो माइलेज है किलोमीटर में मिल जाती है। यहाँ पर नीचे जो है इसका जो मीटर है वो आपको शो होता है, और नीचे बॉटम में जो है इसकी आपको फ्यूल इंडिकेशन मिल जाती है। ये ऊपर जो गियर इंडिकेटर, यहाँ पे आप गियर शिफ्टिंग जैसे चेंज करेंगे तो गियर इंडिकेटर यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा आप कौन से गियर में इसको ड्राइव कर रहे हैं। फ्यूल टैंक जो है इसका, वो इसके अंदर मैक्सिमम जो स्टोरेज है वो तकरीबन 14 लीटर तक आप स्टोरेज कर सकते हैं, और दूसरा जैसा कि बाइक EFI बेस करता है तो ये तकरीबन आपको 25 to 30 किलोमीटर देने की सलाहियत रखता है। नॉर्मली जो है कंपनी जो क्लेम करती है वो 25 किलोमीटर ईजिली देगा, क्योंकि EFI बेस ये बाइक जो है 350 cc कैटेगरी में बाइक है। इस बाइक के जो ड्राइव वेट की बात करें तो
तकरीबन 187 जो है इसका ड्राइव वेट है। और अभी बढ़ते हैं इसके मेन इंजन की जानब। तो 350cc 4-valve ओवरहेड कैम शेव के साथ जंक्शन का इसका इंजन है। और जैसा कि जितनी भी टॉप अच्छी कंपनीज हैं वो जंक्शन को प्रेफर करती हैं, और हम भी, हमारे पास जितने भी मोस्टली मॉडल आते हैं उसमें भी जो टेक्नोलॉजी है वो जंक्शन की यूज़ होती है। तो इस टॉरो के मॉडल के अंदर भी टेक्नोलॉजी है वो जंक्शन की है, और जंक्शन का काफ़ी अच्छा इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। हॉर्स पावर की बात करें तो तकरीबन ये 36 HP प्रोड्यूस करता है 8,500 RPM पे। गियर शिफ्टिंग 6 गियर है, रिटर्न शिफ्ट का फर्स्ट फॉरवर्ड है, 5 बैक रिटर्न शिफ्ट के साथ गियर ट्रांसमिशन है। बाकी जो है इसकी हम वो आपको एक टेस्ट राइड भी दिखा देंगे जिसके अंदर जो है इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है वो भी आपको एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा। अभी जो इसके ऊपर एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, और मैं कोशिश करूँगा इसका आपका दोनों जो कंपेरिजन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है उसका भी आपको साउंड दिखा दें। काफ़ी अच्छी साउंड है इसके ऊपर, अगर आप चेंज करना चाहें तो ईजिली आप कर सकते हैं, और साउंड की जो क्वालिटी वो आप बढ़ाना चाहें तो भी ईजिली बढ़ा सकते हैं। इसके जो राइडर्स की जो सीट है काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल सीट है, और ये पोस्चर आप अपना देख सकते हैं इसके ऊपर, इस टाइप का पोजीशन में आपका पोस्चर मिल जाता है, और ज़्यादा लीनिंग पोजीशन नहीं है लेकिन एक आपको प्रॉपर स्पोर्टी लुक इस बाइक के ऊपर मिल जाती है। और जो भी जो रेगुलर यूज़र है मूव होना चाहे स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर वो ईज़िली इसके ऊपर हो सकता है, और साउंड के वाले से काफ़ी अच्छा बाइक है। पिलियन राइडर की जो सीट है वो भी काफ़ी अच्छी सीट है, और यहाँ पे नीचे जो टेल के ऊपर जो है वो जो पिलियन राइडर के लिए हैंडलिंग की पोजीशन यहाँ पे मौजूद है। पीछे जो रियर ब्रेक लैंप है ये लावा स्टाइल ब्रेक लैंप लगा हुआ है, और जैसे आप इसकी ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये लाइट जो है LED ग्लो करती हुई नज़र आती है। बाइक में जो कलर स्कीम आप देख सकते हैं नई लेटेस्ट ग्राफिक्स हैं 2022-23 के, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको राइट साइड पे दोनों साइड पे राइट एंड लेफ्ट साइड पे टारो की जो है ब्रांडिंग नज़र आ रही है। जैसा कि ये टारो का ब्रांड है तो कंपनी ने इसके ऊपर जो है अपनी ब्रांडिंग का लिए अभी ये मॉडल्स के अंदर नाम भी मैंशन किया अपनी फेयरिंग के ऊपर राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों। अभी जो है इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसकी जो साउंड आपको चेक कराते हैं स्टॉक की, बाकी जो इसकी आफ्टर मार्केट वो भी कोशिश करेंगे वो भी क्लिप इसके अंदर आपको एडिशन मिल जाए। ये इसकी स्टॉक इसकी जो साइलेंसर है उसकी साउंड है, और आफ्टर मार्केट जो है वो भी कोशिश करेंगे आपको दिखा देंगे। तो जी व्यूअर्स, अभी जो है ये टारो GB जो है 250cc का जो है हम टेस्ट राइड करने जा रहे हैं, इसकी देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है, इनिशियल पिक कैसी है, और 0 to 100 कितने टाइम पीरियड में जाता है। तो बढ़ते हैं टेस्ट राइड की जाने पर, इसको दिखाते हैं क्या एक्सपीरियंस है। में हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं जो टेस्ट राइड हम कर रहे होते हैं इसके अंदर हम टॉप स्पीड नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये ब्रांड न्यू बाइक्स होते हैं। तो इसमें ये हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इसका 0 to 100 कितने टाइम पीरियड में जाता है और इनिशियल पिक कैसी है। तो इस बाइक की जो है जैसा कि जंक्शन की टेक्नोलॉजी है तो पिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो मैंने इसका फर्स्ट राउंड चेक कर लिया है और तकरीबन 4th गियर के ऊपर तकरीबन 100 AZ के ऊपर चला जाता है 4th गियर के ऊपर। बाकी जैसा कि आपको बोला ब्रांड न्यू बाइक है तो इसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इसकी जब माइलेज 2000 कम से कम चल जाए उसके बाद ही आप चेक कर सकते हैं। तो अभी राउंड 2 है, स्टार्ट करते हैं, देखता हूँ इसका कैसी परफॉर्मेंस है राउंड 2 में। बात कर लें इसकी प्राइस की तो 925 जो 9,25,000 इसकी प्राइस है, और
और जैसा कि न्यू पार्क ट्रेडिंग की जाने से हमेशा ज़बरदस्त ऑफर्स अपने देखने वाले जो अब जितने भी सब्सक्राइबर हैं व्यूवर्स हैं उनके लिए लेके आते हैं, तो इसके साथ भी ज़बरदस्त ऑफर मौजूद है। आप हमारी वीडियो को कोड कर सके वीडियो का कोड कर सकते हैं न्यू पार्क ट्रेडिंग का, और इसके साथ जो है ज़बरदस्त जो है गिफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। और हम हमेशा जितने भी अपने देखने वाले व्यूअर्स हैं जो भी स्पेशली बायर्स हमें बाय करते हैं तो उनको ये है कि ऑफर लाजमी मिलती है, कोई भी कस्टमर ऐसा नहीं है जिसको हमने ऑफर्स ना दियो। की लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है गिव इट अ बिग थम्स अप। और जैसा मैंने कहा था कि मोस्ट ट्रस्टेड बाइक अगर चाइनीज बाइक्स में आपने लेना है जो कि आपको हैवी बाइक का भी मज़ा दे और स्ट्रीट बाइक का भी मज़ा उसमें आए और कम्यूट डेली आसानी से कर सकें, हीट अपना हो, तो ये रहा आज का बाइक। उम्मीद है ये बाइक भी पसंद आया होगा, इसकी प्राइस भी आपको अफोर्डेबल लगी होगी। पार्ट्स के हवाले से ये कि जैसा कि फैसल भाई बता रहे थे सारे पार्ट्स इसके आपको अंडर वन रूफ दस्तयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।